डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मेडिवल थिएटर जैसा कि हमने देखा मिडिल एजेस के बारे में हमने अभी तक पूरा स्टडी किया मिडिल एज में हमने प्रोज राइटिंग का डेवलपमेंट देखा पोइट्री का डेवलपमेंट देखा एक अलग फॉर्म ऑफ जो हमने देखा कोटली रोमांस के रूप में वो कैसे उभर के आता है एलिट्रेटिव वर्स कैसे उभर के आता है इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है अब हम आज बात करेंगे मेडिवल थिएटर पे कि थिएटर या ड्रामा फॉर्म जो है उसका क्या स्टेटस था मिडिल थिएटर Refers to the theater of Europe between the fall of Western Roman Empire. इन फोर सेवेंटी सिक्स ए डी एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसा वेस्टर्न रोमन एंपायर का डिमाइज हमने देखा है किस तरीके से ब्रिटेन एज अ इंडिपेंडेंट एक लैंड के अगर रूप में हम देखें तो उसका शुरुआत जो है वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल के बाद से ही शुरू होता है एंग्लो सेक्सन रूल उसके बाद आता है एंग्लो नॉर्मन रूल आता है और उससे हम देखते हैं किस तरीके से जो प्रेजेंट जो इंग्लैंड है वो डेवलप होता है वो पूरा जोग्राफी वो पूरा लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट ये पूरा ऑल थ्रू आउट हमने का स्टडी किया है तो मिडिवल थिएटर का जब हम बात कर रहे हैं तो उसका भी शुरुआत जो जो है थिएटर यूरोप में खास तौर में वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है ईस्टर्न रोमन एम्पायर का हम बात नहीं कर रहे हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर जैसा कि हम जानते हैं 1453 में उसका डिसमेंटल होना शुरू हुआ था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे कहते हैं तो वहां से ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है 1453 में उसका बिखरना शुरू होता है ये अगर हम देखें जो वेस्ट जो है रोमन एम्पायर का वो फोर से ही एडी से ही शुरुआत हो चुका था फॉल जो है वो शुरू हो चुका था और मेडिवल थिएटर जो है इसी टाइम पीरियड से शुरू होते हुए बिगिनिंग ऑफ रेनेसा अगर हम रफली रेनेसा को अगर हम डिस्कस करें तो लेटर हाफ ऑफ फिफ्टीन सेंचुरी जो है उसको हम कह सकते हैं एक पीक टाइम पीरियड इवन दो इटले में रेनेसा जो है वो फोर्टीन सेंचुरी में ही हमें दिखाई देते हैं उसका स्पिरिट जो है वो दिखाई देता है लेकिन यूरोप में अगर हम कहें तो ए एक तरीके से और स्पेशली इंग्लैंड में तो लेटर हाफ ऑफ जो फिफ्टीन सेंचुरी है और फोर्टीन सेंचुरी के भी चौसर के बाद का टाइम पीरियड जो है वहां से हम देखते हैं रेनेसा स्पिरिट इंग्लैंड में धीरे धीरे करके ह्यूमनिज्म के मूवमेंट के साथ वो डेवलप करना शुरू हो जाता है मोस्ट ऑफ द दिडिबल ड्रामा इज नॉट वेल Documented due to a lack of literacy in general population and the Opposition of the clergy to performances at the beginning of Middle Ages. The Roman Catholic Church Band Theatrical Performances Ye ek Khas baat hai ki, most of the medieval drama is not well documented. ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी जितना भी हम देखते हैं कि मिडवल एज जो है या मिडिल एज जो है उसमें लिटरेसी रेट कम होने की वजह से और ज़्यादातर जो लिटरेरी कल्चर रहा उसमें हमने पोइट्री का यूज ज़्यादा देखा है या रिलीजियस उसमें भी अगर हम देखें जो रिलीजियस लिटरेचर है क्रिश्चियन लिटरेचर है या जो नॉर्थम्बरियन लिटरेचर है उस सब में हम देखते हैं एक वर्स फॉर्म लिरिक फॉर्म वैलेड फॉर्म ये सारा एक एरिस्टोक्रेसी का एक जो कॉमन मैन का जो पूरा कल्चर है उसमें हमने जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स होती हैं उन्हीं का ज्यादा डेवलपमेंट देखा है और उनमें से भी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो मटेरियल है लिटरेरी मटेरियल है वो कहीं ना कहीं बहुत सारा मटेरियल जो है लॉस हो चुका है या उसे प्रिजर्व करके रखा नहीं गया ये हमने अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है वैसे ही हम देखते हैं जो मेडिवल ड्रामा भी है लिटरेसी रेट जनरल पॉपुलेशन में ऑलरेडी बहुत लो था बिल्कुल नील था उस वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारा ड्रामा जो है उसे प्रिजर्व नहीं किया गया है दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें कि जो चर्च था क्लर्जी जो थी क्लर्जी क्लास जो है वो ऑलरेडी ड्रामा को लेके काफी एक उसका रिजेंटमेंट था कहीं ना कहीं जो रोमन फॉर्म ऑफ ड्रामा जो है या प्री क्रिश्चियन फॉर्म्स जो हैं वो रोमन कल्चर में रोमन एम्पायर में जिस तरीके का ड्रामा होता था उसकी वजह से हम देखते हैं क्रिश्चियन मॉरल और वर्च्यूज को जो है वो कहीं ना कहीं एक आहत तो पहुंचाता था एक जो रिलीजियस सेंटिमेंट जो हर्ट होता है वो हर्ट होता हुआ हमें दिखता है तो ड्रामा जो है एट द बिगिनिंग ऑफ मिडिल एजेस रोमन कैथोलिक चर्च बैंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस क्योंकि जो जितने भी एक्सेसेस थे रोमन uh, ड्रामा के क्लासिकल uh, लिटरेचर में जितने भी एक्सेसेस थे उन सब से कहीं ना कहीं जो चर्च का अपना थिंकिंग चर्च का जो पूरा रिलीजियस पर्स्पेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऑपोजिशन में खड़ा होता है इन टेंथ सेंचुरी The liturgical drama emerged in the Quem Quartis Quem. एम क्वालिटिस का मतलब है होम डू यू सीक इसका मतलब है जितना भी टेंथ सेंचुरी से हम ड्रामा फॉर मेडिवल थिएटर देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है चर्च द्वारा ही जो है वो परफॉर्म किया जाता था चर्च का जो टीचिंग्स हैं या बिब्लिकल स्टोरीज हैं उनको ही हम देखते हैं परफॉर्म करके उनको जनता के बीच में वो टीचिंग्स जो है पहुंचाई जाती थी दिस लैटिन कर्नल जो हम देखते हैं ये जो लैटिन फॉर्म है ड्रामा का लिटर्जिकल ड्रामा का जिसे कर्नल भी कहा जाता है इज बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम The New Testament in which.